अरे निशा, गांव से खत आया है। किसके गांव से? मेरे? मेरे गांव से। अरे खुशी की खबर तो हमेशा मेरे गांव से ही आती है ना। क्या पता है किसका खत है? किसका? अरे मेरे चाचा का खत है। बीमार है या इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। तो उसमें खुशी की कौन सी बात है? इलाज के पैसे तो हमें देने पड़ेंगे ना। नहीं ना। अरे मेरे चाचा, तुम्हें पता नहीं है, लखपति है, लखपति। अरे अगर वो स्वर्ग सिधार गए ना तो सारा माल मुझे मिलने वाला है। अच्छा। तुम्हें पता है उनके दो बंगले हैं, हाँ। 4 बीघा जमीन है, भैंसों के तबेले हैं, 5 साइकिलें हैं। अरे उनके मरने के बाद मैं लखपति हो जाऊंगा। और तुम? लखपत्नी। अरे बेटा रामलाल। अरे चाचा जी, लंबी उम्र हो बेटा। आइए आइए। कैसा है तू? बस मैं बजे में हूँ। देखिए मेरा बस ये छोटा सा घर है। अरे बेटा छोटा है तो बड़ा भी हो जाएगा। आइए आइए मेरे साथ। बेटा ठीक हूँ, आखिरी वक्त है, सोचा जिंदगी का आखिरी वक्त अपने बेटे के साथ गुजारूं। क्या है ना, आखिरी वक्त आ गया है तो यहाँ आ गए। अच्छा अच्छा। आखिरी वक्त यहाँ मतलब कि आपकी जमीन जायदाद का क्या हुआ चाचा जी? अरे बेटे क्या है, मेरे मरने के बाद वो तो सब तुम्हारा ही होगा ना। देखा। तो मैंने क्या किया बेटा, उसको बेच बाच के ना। बेच बाच के? मतलब जमीन जायदाद बेच खाई? नहीं, उसको बेच के बेटे मैंने एक हीरा ले लिया। हीरा ले लिया है? तो राय साहब ने कहा है? नहीं बेटा ऐसा है, वो हीरा मैंने छुपा के रख दिया है, 2-4 दिन में बता दूंगा। अभी तो बेटा मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख भी बहुत लगी है। बेटा हलवा पूरी बनाया है? हाँ बनाई। तो मैं चलूँ अंदर? ना रहे हैं, मैंने उनके लिए हलवा पूरी बना दी है। जल्दी से उनसे पूछो ना कि हीरा कहाँ रखा हुआ है। बचपन से मुझे हीरा देखने की इतनी चाहत है। आप थोड़ा सब्र से काम लो। क्या है, अगर इतनी बेचैनी दिखाओगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब वैसे भी चाचा ने तो मुझे कहा ही है कि उसकी सारी जमीन जायदाद, उसका सारा माल जो उसने बेच के हीरा खरीदा है वो मेरा ही तो है। फिर हम हो जाएंगे अमीर। पूरे 4 दिन हो गए चाचा की खातिर करते हुए। अरे इतने पैसे खर्च कर दिए मगर अभी तक बुड्ढा हीरे का पता ही नहीं बता रहा। आज तो बस आप पूछ ही लो उनसे। जरूर पूछूंगा। बेटे रामलाल। आइए 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 चाचा जी, बैठिए। हाँ दिखाया है डॉक्टर को? हाँ बेटा दिखाया। क्या बोला उसने? बेटा उसने कहा कि उम्मीद कम है, उम्र ज्यादा हो गई है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ना, अब क्यों लालच कर रहे हैं आप? अब हीरे का पता बताते क्यों नहीं? हाँ बेटा तो मैं बता दूंगा। बेटा क्या है कि मुझे भूख लगी है। मैं अभी आपके लिए। अरे ना बेटा, नहीं खाना वाना नहीं बेटे। आज मेरा रबड़ी खाने का मन कर रहा है। हाँ बेटा ठीक है, मैं अब रबड़ी तो घर पे नहीं है, मैं बता से लेके आता। हाँ बेटा 1/2 किलो लाइए। मैं आपके पैर दबा दूं चाचा जी? हाँ बेटा दबा। हाँ। बहुत दुख गया मेरा शरीर। हाँ दबाती रहे बेटे, पाँव दबाती रहे, बहुत मजा आ रहा है। अरे बेटी तेरा पति थोड़ा पागल है, वो हीरा मैंने कहाँ छुपा रखा ये राज मैं तुझे आज बताता हूँ। हाँ बताइए ना चाचा जी। हाँ पाँव दबाती रहे बेटी, पाँव दबाती रहे। तूने मेरा गांव देखा है बेटी? हाँ चाची देखा है। पाँव दबाती रहे बेटी। क्या रात, सारी रात मच्छर इतने थे, सारी रात नींद ही नहीं आई। तो आप हमारे एसी वाले कमरे में सो जाइएगा ना आज? हाँ हाँ बेटी ये बहुत अच्छा रहा। अच्छा बेटी अब मैं तुझे बताता हूँ वो मैंने हीरा कहाँ छुपा रखा है। तुम दोनों का प्यार देख के मेरा मन भर गया बेटे। अच्छा तुम दोनों सुनो कि वो मैंने हीरा कहाँ छुपा के रखा है। लो बेटा अब मैं तुम्हें वो राज बताता हूँ कि वो मैंने हीरा कहाँ छुपा के रखा है। अरे बेटा वो मेरे गांव को 2 रास्ते जाते हैं। हाँ जाते हैं।
एक रास्ते को पकड़ लेना, दूसरे को छोड़ देना। ठीक है, समझ गए। हाँ। और आगे चलोगे तो तुम्हें दो झाड़ मिलेंगे बेटा। हाँ, हाँ। फिर एक झाड़ को छोड़ देना बेटा, दूसरे पे चढ़ जाना। झाड़ पे चढ़ जाना क्यों? हाँ बेटे, जब तुम उस झाड़ पे चढ़ोगे तो वहां तुम्हें एक एक घाटी नजर आएगी बेटा। अच्छा, फिर? बस उस घाटी में तो उतर जाना बेटा। ठीक है, फिर? और फिर वहां बेटा तुम्हें दो कुएं नजर आएंगे। हाँ, जल्दी बताइए फिर। एक को छोड़ देना, दूसरे चाचा, एक को छोड़ देना, दूसरे कुएं का क्या करूं? गए तुम्हारे चाचा, चूना लगा गए हमें। अरे चाचा, चाचा कुएं का क्या करना है? कुएं का क्या करना है भाई? उसमें कूद के मर जाना, और क्या? कूद जाना।